बदलते समय के अनुसार भगवान श्री राम का प्रारूप भी बदलता चला गया। भगवान राम शालीनता, कमलनयन, मर्यादा के लिए जाने जाते हैं। अब आलम यह है कि भगवान राम को लेकर युद्ध छिड़ गया है कि आखिर वो किसके हैं। कुछ ऐसे ही माजरा हजारीबाग लोकसभा में भी दिखा है, जब कांग्रेस से बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद ने ये कह दिया कि भगवान राम कांग्रेस के हैं। उनका ये भी कहना है कि कांग्रेस युवाओं को बिगाड़ती नहीं है, बल्कि भगवान श्री राम की मर्यादा को मानती है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग हैं जो भगवान श्री राम को बदनाम कर रहे हैं और चुनाव के समय उनका नाम का सहारा लेते हैं। हजारीबाग में विकास के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ श्री राम का नाम का सहारा लिया जा रहा है। वहीं इस पूरे बयानबाजी पर हजारीबाग से भाजपा उम्मीदवार मनीष जायसवाल ने कहा, किसी के भी टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देना नहीं चाहते हैं। राम मंदिर बना तो इंडिया गठबंधन के सदस्यों को निमंत्रण भी दिया गया था। आज तक इंडिया गठबंधन के कोई भी सदस्य राम मंदिर नहीं पहुंचे हैं। उनमें से एक कांग्रेस के नेता प्रदीप आचार्य पहुंचे तो उन्हें पार्टी से ही निष्कासित कर दिया गया। यही सम्मान भगवान राम का कांग्रेस ने दिया है। ऐसे में समझा जा सकता है कि राम का इतना ही सम्मान है देश में। हजारीबाग से प्रमोद खंडेलवाल की रिपोर्ट। पुरुषोत्तम राम भगवान, उनका जो मर्यादा है वो हम लोग फॉलो करते हैं। हम लोग कभी युवाओं को बिगाड़ते नहीं है। हम लोग कभी दारू मुर्गा खिला के युवाओं को बर्बाद होने के लिए नहीं छोड़ते। कभी गुंडागर्दी वाला विचारधारा हम लोग का नहीं है। कभी किसी को परेशान करने वाला विचारधारा नहीं है। हम लोग दुश्मनों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखते हैं, जो भगवान श्री राम सिखाते हैं। भगवान श्री राम स्त्री के साथ कैसा आचरण हो वो सिखाते हैं, जो इनको नहीं पता है। तो ये कैसे हो सकते हैं राम भक्त? तो ये बस गुमराह करने वाला बात है। और हम लोग रामनवमी हो चाहे कोई भी त्योहार हो, हम लोग पूरे श्रद्धा के साथ जिक्र क्यों होता है? राम जी का जिक्र वही तो आपको बता रहे हैं कि यहीं पे भटकाने वाला बात किया जाता है, क्योंकि ये लोग मुद्दे से भटकाने का काम करते हैं। यहाँ पे हजारीबाग लोकसभा एजुकेशनल हब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पे स्टूडेंट्स का भरमार है कि नहीं है? यहाँ पे अच्छे अच्छे वेल क्वालिफाइड गाँव से निकल के बच्चे आते हैं, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। उनको एजुकेशनल हब यहाँ पे जो बनाना चाहिए, पूर्व सांसद को उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिला, सेंटर में उनका काफ़ी प्रभाव था। हमने तो देखा कि बड़े बड़े अडानी अंबानी के साथ उनकी बैठकें होती थी। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा, इस देश की जनता को भी समझना है कि जब राम मंदिर बना तो मंदिर का निमंत्रण जो है इंडिया गठबंधन के लोगों को भी दिया गया था, लेकिन उसमें से कोई भी व्यक्ति नहीं आया और आज तक कोई दर्शन करने को नहीं गया। एक गए थे बेचारे प्रमोद जी, उनको कांग्रेस ने पार्टी से निकाल दिया। तो ये राम का सम्मान इनके लिए है। अब कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है उसका मुझे काउंटर नहीं करना, बट लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनके नज़र में, इंडिया गठबंधन के नज़र में राम का इतना ही सम्मान है इस देश में। विकास का दूसरा रूप भी है। आज आप अयोध्या जाइए तो वहाँ पर जो टूरिस्ट आ रहे हैं, रिलीजियस टूरिज्म जो हो रहा है, उसमें बहुत सारा जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया हुआ। आपको पता होगा बनारस में पिछले बार 8 करोड़ टूरिस्ट आए, और आप जानते हैं कि टूरिज्म वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो हमको क्या करना चाहिए? इसके नाम पर वोट मांगना चाहिए, विकास के नाम पर वोट मांगना चाहिए, और वही हम लोग करते हैं।